नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है जिसके 25 क्वेश्चन है, देखिए बारी बारी हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने सामने देखिए, प्रश्न है राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है। क्वेश्चन रहेगा राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है। तो अब आपको बताना है भाषा और साहित्य नाम का जो टॉपिक रहेगा उसमें से प्रश्न है राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए जो राजस्थान है, इस राजस्थान की जो मातृभाषा है, राजस्थान की याद रखिएगा जो मातृभाषा है वो तो कौन सी हो जाएगी, वो तो हो जाएगी अपनी राजस्थानी। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी ही हो जाएगी, लेकिन राजस्थान की जो लोकल जो लैंग्वेज के अंदर यूज आती है या फिर जिसका प्रशासनिक कार्य होता है, ठीक है, वो कौन सी के अंदर होता है, हिंदी के अंदर होता है। लेकिन राजस्थान की मूल भाषा बोले या फिर राजस्थान की मातृभाषा बोले तो वो कौन सी हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी। इसलिए राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है, राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थान की। प्रश्न बनेगा राजस्थान की जो भाषा है, इस राजस्थान की जो भाषा है इसकी लिपि कौन सी है। तो राजस्थान की जो भाषा है इसकी जो प्राचीन लिपि है वो कौन सी कहलाती है, मुंडियार लिपि कहलाती है, मुंडियार लिपि कहलाती है। लेकिन राजस्थान के वर्तमान में जो लिपि है वो कौन सी, देवनागरी लिपि है। और राजस्थान की देवनागरी लिपि वर्तमान में और राजस्थानी भाषा इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किससे मानी जाती है, गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला नाम के टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है राजस्थान के अंदर चित्रकला का जो उद्भव है वह गुजरात चित्रशैली से आया था और राजस्थान के अंदर मेवाड़ शैली से आगे क्या होती है, ये सारी पूरे राजस्थान में फैलती है। उसी प्रकार सेम टू सेम ये क्या होता है, भाषा और बोलियां नाम का टॉपिक है, इसके अंदर क्या राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वह गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है और राजस्थान की जो मूल भाषा है वह कौन सी हो जाएगी, राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है। ब्रज मेवाती मारवाड़ी क्या उपभाषा आ जाएगी, राजस्थान की जब भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ा जाता है उस टाइम में। तो आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता है जो गरीबों के देवता कहलाते हैं। राजस्थान के अंदर भांति भांति के लोक देवता और भांति भांति की देवियां पाई जाती है, उनमें क्या है, उनमें आपको बताना है भी राजस्थान में गरीबों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो गरीबों के देवता के रूप में आपको पता होना चाहिए इस चीज का, आपने पढ़ भी रखा होगा। तो गरीबों के देवता के रूप में डूंग जी और ज्वार जी को पूजा जाता है। हालांकि राजस्थान में पीर भी है, पंच पीर के रूप में आप लोग पढ़ते हो, लेकिन जो गरीबों के देवता ये क्या एक उपनाम है। मैं हर बार आपको ये बताता हूँ, बहुत बारी भी बता रखे हैं, जब भी आप पढ़ा करो ना तो उसके अंदर कोई भी लोक देवता हो तो उसकी क्या होती है, जो उपनाम वगैरह होते हैं वो आप खासली याद रखा करो। कई बार क्या होता है, क्योंकि जिस चीज की जितनी ज्यादा विशेषता होती है वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। अब कोई भी लोक देवता है तो उसको क्या होता है, एक ना एक उपनाम तो दिया ही होता है। जैसे डूंग जी और जुवार जी है, इनका जो उपनाम है इनको राजस्थान का रोबिन हुड भी कहा जाता है और इनको गरीबों के देवता या फिर गरीबों के मसीहा के रूप में भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण भी होता है। कोई भी चीज होता है, कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे क्या होता है, एक रीजन होता है, एक कारण होता है। तो इनका कारण ये था कि इन्होंने ये क्या करते थे, तो अमीर लोग थे, धनी लोगों को लूटते थे और लूटने के बाद में जो भी इनके पास में पैसा आता था उस पैसे को ये क्या थे, गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे। और इन्होंने 1847 के अंदर एक अंग्रेजों की राजस्थान में प्रमुख सैनिक छावनी थी जिसका नाम था नसीराबाद सैनिक छावनी। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, तो उस टाइम राजस्थान के अंदर नसीराबाद सैनिक छावनी है वो इनकी मूल सैनिक छावनी थी। तो इस छावनी को ये 1847 में क्या होते हैं, लूट लेते हैं और लूटने के बाद में फिर ये क्या करते हैं, धनोप माता का मंदिर वगैरह निर्माण कार्य भी करवाते हैं, फिर आगे जाकर इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, फिर आगे जाकर इनको छुड़वाया जाता है। वो कहानी आपने पढ़ी भी होगी और समझा भी होगा। तो इनको राजस्थान के गरीबों के, इन्हें गरीबों के देवता के रूप में पूजा जाता है, डूंग जी जवार जी को। इनका जो संबंध है राजस्थान में वो एक गांव है बठोट और एक है पाटोदा गांव, सीकर के अंदर ये पढ़ते हैं। इनका संबंध माना जाता है आपस में चाचा भतीजा थे और एक इनका उपनाम है। जैसे इनका निकनेम क्या था, इनका निकनेम बलजी और भुरजी भी इनको कहा जाता है। कई लोग कहते हैं बलजी और भुरजी अलग लोग देवता है, लेकिन भाई मैंने एक दो किताबों में पढ़ रखा है बलजी और भुरजी जो उपनाम है वो डूंग जी और जवार जी का ही माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आ रहा होगा समझ में। अगला प्रश्न, अगला है आपको चार देवियां दे रखी है, निम्नलिखित निम्न लोक देवी में से कौन सी देवी उनके मुख्य पूजा स्थल से संबंधित नहीं है। यानी कि चार देवियां दे रखी है, चार इनके क्या मुख्य स्थल है, ऐसी ऐसी कौन सी देवी है जो उनके मुख्य पूजा स्थल से संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहली है आवड़ माता। आवड़ माता या फिर इसी को बोला जाता है आयड़ माता या फिर सुहांगिया माता, ये भाटी राजवंश की क्या कहलाती है, कुलदेवी कहलाती है। जैसलमेर में मंदिर बना, ये बिल्कुल बात एकदम सही है। घेवर माता का मंदिर आपको पता है राजस्थान राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद झील के किनारे है। घेवर माता राजस्थान की एकमात्र आसती कहलाती है, बिना पति के सती होने वाली महिला थी। तो ये राजस्थान में इनका राजसमंद मंदिर हो जाएगा।
बाण माता। अब प्यारे साथियों एक चीज आप याद रखना, बाण माता का मंदिर जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया जाता है उस टाइम पढ़ाया जाता है भाई मेवाड़ के कुल देवता एकलिंगनाथ जी जिनका मंदिर नांगदा उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी गांव उदयपुर में बना हुआ है, और बाण माता या फिर बाण माता इनका मंदिर भी उदयपुर में है। लेकिन एक दो एग्जाम में मैंने ये भी प्रश्न देख लिया इनका चित्तौड़गढ़ भी सही माना है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, लेकिन आरपीसी हो सकता है शायद इसको मान ले उदयपुर। तो जो इस ऑप्शन के इस प्रश्न के हिसाब से ये सही होगा चित्तौड़गढ़ इसका। लेकिन जो ज्वाला माता है ये ज्वाला माता का मंदिर है जो बीकानेर में नहीं है, ज्वाला माता का जो मंदिर है वो कहां पर हो जाएगा जोबनेर, और जोबनेर नामक स्थान कौन से जिले में पड़ता है ये जयपुर जिले में पड़ता है। तो इसका कौन सा सुमिलित स्थान नहीं हो जाएगा, ज्वाला माता वाला चौथा सुमिलित नहीं है। ठीक है भाई अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए चार नंबर प्रश्न है, राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। आपको पता होना चाहिए जो भक्ति परंपरा होती है वो कितने प्रकार की है, चार भक्ति परंपरा तीन प्रकार की होती है, एक तो सगुण भक्ति परंपरा, एक निर्गुण भक्ति परंपरा, एक होती है मिश्रित भक्ति परंपरा। तीनों की अलग अलग परिभाषा है, जिसके अंदर मूर्ति का पूजन किया जाता है वो तो सगुण, जिसमें मूर्ति पूजा न कर भगवान को कण कण में माना जाए निरंकार रूप में पूजा जाए, यानी कि ठीक है पूरे मतलब संसार में सभी जगह भगवान विद्यमान है, तो वो क्या होता है निर्गुण भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा में क्या होता है ये भगवान मूर्ति में भी भगवान को मानते हैं और कण कण में भी भगवान मानते हैं, तो ऐसी भक्ति परंपरा कौन सी होती है मिश्रित भक्ति परंपरा। राजस्थान में दो तीन ऐसे संप्रदाय जो मिश्रित भक्ति परंपरा से संबंधित माने जाते हैं, जिसमें से एक तो हो जाएगा संत मावजी इसके प्रमुख संत है, एक चरणदास जी है, तो ये हो जाएंगे। तो मिश्रित भक्ति परंपरा का इनमें से कौन सा, लालदास बिल्कुल नहीं होगा, राम स्नेह भी नहीं है और राम स्नेह भी नहीं है, इसका कौन सा संप्रदाय चरणदासी। चरणदासी संप्रदाय हालांकि भूचाल की इससे पहले 8 टेस्ट और हो चुके हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं तो चरणदासी का एक दो बार तो जिक्र हो ही रखा है। तो एक बार मैं फिर से पुनः बता दूं, चरणदास जी है इनका गांव, इनका जन्म तो होता डेहरा गांव जो पड़ता अलवर जिले में। राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत कौन से, चरणदास जी, जिनका जन्म तो राजस्थान में हो रखा है लेकिन जो इन्होंने जो जो संप्रदाय चलाया था उसकी जो प्रधान पीठ होती है वो राजस्थान में न होकर वो कहां पर बनी हुई है, दिल्ली के अंदर बनी है। ये राजस्थान के एकमात्र संतों में से एक संत है। और चरणदास जी ने क्या किया था, चरणदास जी ने जो नाम था उसका इधर भारत के ऊपर, भारत पर पता नहीं राजस्थान पर अटैक किया था उसको नेपाल का नेपोलियन ऐसा कहा जाता है एक, अभी याद नहीं आ रहा, तो इसको चरणदास जी चरणदास जी संप्रदाय चलाया था। और उसके अंदर कितने नियम होते हैं, 42 नियम होते हैं। ये पीले वस्त्र धारण करते हैं, सर के बाल और दाढ़ी के, सर के बाल और जो दाढ़ी वगैरह ये मतलब साफ करके रखते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। इनके जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली के अंदर बनी हुई है, राजस्थान में इनका संबंध देहरा गांव अलवर से हो जाएगा। चरणदास जी के प्रमुख दो शिष्य थे, एक का नाम था दयाबाई, एक का नाम था सहजू भाई। जो सहजू भाई है उसको मत्स्य की मीरा भी कहा जाता है, जो इनकी प्रमुख क्या थी, शिष्य थी, और एक सहजू प्रकाश है वो सहजू भाई का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो ये इनसे बारे में कॉमन सी जानकारी थी। अगला है सुइया मेला। सुइया मेला का आयोजन होता है ये क्या, कुछ अब देखिए पेपर का क्या होता है, पेपर सेटर का दो तीन प्रकार का पेपर होता है, उसके अंदर क्या होता है कई जगह पर तो आपको फैक्ट मिलते हैं, फैक्ट का मतलब सीधे सीधे आपको तथ्य बताने हैं। अब सुइया मेला इसके अंदर कोई भी चीज आप समझ नहीं सकते, थोड़ा सा समझना होता है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए ये महीने हैं तो महीनों का आपको फैक्ट है वो तथ्य याद रखना होगा। ये चीज क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट के अंदर जैसे आप भूगोल में पढ़ते हो तो उसके अंदर जैसे जलवायु है वो राजस्थान में किस प्रकार से शाखाएं प्रवेश करती है, जैसे भौतिक प्रदेश है राजस्थान में किस स्थान पर मिट्टी है, किस स्थान पर मरुस्थल है, कहां पर नदी है, तो वो क्या है कंसेप्ट बन जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी जैसे आभूषण है, आभूषण में आप क्या इसकी ट्रिक क्या इसको आप समझ सकते हो, सिंगल है भाई आपको इसको रटना पड़ेगा, मजबूरी है। तो कुछ चीजें क्या फैक्ट होते हैं, कुछ कंसेप्ट भी होते हैं और कुछ मिश्रण भी हो जाता है। उसी प्रकार से सुइया मेला आपको एक चीज याद रखनी है, सुइया मेला का आयोजन होता है बाड़मेर जिले में और ये कौन से महीने में होता है, तो ये पौष मास में, तो पौष का या फिर जो पो बोलते हैं अपन लोग, जो सर्दियों का महीना होता है बहुत कड़ाकेदार, इसके अंदर क्या पड़ती है सर्दी पड़ती है, तो उस सर्दी के अंदर वो सुइया मेला बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। तो इसका ये सही आंसर है, सुइया मेला बाड़मेर वाला पौष अमावस्या में आयोजित होता है। ठीक है आगे देखिए, आगे है एक नृत्य जिसका नाम है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखना झूमर अलग है, झूमरा अलग है, घूमर अलग है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है, वो एक अलग है, उसकी सारी कहानी भाई अष्टताल पद्धति में घूमा जाता है, घूमर नाम का 80 कली का लहंगा पहनकर किया जाता है। सबसे बड़ा जो घूमर का नृत्य है जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था, घूमर मेवाड़ वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध माना जाता है। वो पुरुष प्रधान, पुरुष नहीं महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है उसके अंदर। लेकिन झूमर नृत्य, ये झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, मेवाड़ का, तो सीधा सा फैक्ट है झूमर नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। अगला है, अगला प्रश्न है केसरिया बालम पधारो मारे देश गीत
अल्लाह है जिलाई बाई ने किस राग में गाया था। अब सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न ये आना चाहिए, भाई आप ऐसे मत किया करो भाई, जल्दी से जल्दी प्रश्न देख रहे हो, हाँ भाई जल्दी से मास्टर उत्तर बता दे, उत्तर बताने के बाद में अगला प्रश्न बता, थोड़ा सा अपना जो मन है चित्त है इसको थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि स्टूडेंट लाइन में क्या होता है, वो धैर्य का घोड़ा होता है, उस कामयाबी का एक ही जरिया है धैर्य का घोड़ा, धैर्य के घोड़े पर अगर आप बैठ गए सवार हो गए तो सफलता आपके पास में बिल्कुल आएगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ भाई आधा घंटा 40 मिनट की 35 मिनट की क्लास होती है, तो एक दो फैक्ट ऐसे जरूर मिलेंगे जो आप पहली बार सुन रहे हो, और आपके एग्जाम के अंदर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो मैं बोल रहा हूँ चीजें शायद हो सकते हैं याद आ जाए, इसलिए चीजों को आप पूरी गौर से सुना करो ढंग से। इन चीजों को पढ़ाने से पहले 7-8 किताबों को पढ़ना पड़ता है, 40 मिनट की क्लास होती है उसको 2-3 घंटे पहले तैयार करना पड़ता है, इतनी मेहनत लगती है तो मान के चलो कुछ ना कुछ तो है ही, तभी तो इतना है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखिए केसरिया बालम पधारो हमारे देश क्या है, केसरिया बालम पधारो हमारे देश ये क्या है, राजस्थान का राज्य गीत है, याद रखना राज्य गीत है, और इसको गाने के लिए अलग अलग लोगों ने गाया अलग अलग टाइम पीरियड पर, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, इसको अल्लाह है जिलाई भाई, अल्लाह है जिलाई भाई इसकी प्रमुख गायिका, सबसे ज्यादा बार अल्लाह है जिलाई भाई ने गाया है, और ये अल्लाह है जिलाई भाई है, इसका मूल नाम वो क्लास के अंदर मैंने आपको पूरा बताया था, इसका संबंध कौन से जिले से, बीकानेर जिले से, महाराजा गंगा सिंह के दरबार के अंदर ये गाया करती थी, और इसने कौन सी राग में गाया था, तो इसने गाया था ये मांड शैली के अंदर। मांड गायन शैली क्या होती है, एक गाँव होता है या फिर कोई भी मान लीजिए क्षेत्र, उसके अंदर एक खुला मंच होता है, खुले मंच के अंदर मंच के ऊपर महिला है वो खड़ी रहती है और आसपास में लोग क्या होते हैं बैठे रहते हैं, और वो महिला क्या करती है खुले मंचों के अंदर इस प्रकार का गीत गाती है, और वो कौन सी शैली होती है, मांड गायन शैली होती है। तो अल्लाह है जिलाई भाई ने केसरिया बालम पधारो हमारा देश इस गीत को मांड शैली के अंदर गाया था, तो ये सीधा सा फैक्ट हो जाएगा। आगे है आभूषण, अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप कितना ही पढ़ लो कितना ही पढ़ लो, अगर आपने 5-10 दिन के बाद में 15 दिन के बाद में इसको रिविजन नहीं किया तो ये तय बात है आप भूलोगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप, मेरे को भी पढ़ता पढ़ाते हुए खुद भी पढ़ रहा हूँ थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तो इसका काफी टाइम हो गया, लेकिन इसको मैं भी जब रिवाइज नहीं करता हूँ तो दिमाग में से निकल जाता है बहुत बार, और आप भी, मैं आपको भी यही कहूंगा भी थोड़ा सा इनको रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि ऐसी चीजें हैं ये दिमाग में से निकले बिना नहीं रहती है, क्योंकि बहुत प्रकार के आभूषण है। तो अरसी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाएगा, अरसी नामक आभूषण पहना जाता है हाथ के अंदर, हाथ के अंदर वो भी कौन सा, हाथ की अंगुलियों में, हाथ की अंगुलियों में जैसे छल्ला होता है, अंगूठी होती है, बिंटी होती है, दमना होता है, दमनी होती है, उसके बाद में अरसी है, इस प्रकार के बहुत सारे, जैसे हाथी कलाई के अंदर मूली है, राखी है, और वो बंगड़ी है, तो ये भी हो जाएंगे, बाजू के भी बहुत सारे हैं, इस प्रकार से अरसी नामक आभूषण है ये किससे संबंधित हो जाएगा, हाथ से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है बिखेर प्रथा, एक रीति रिवाज और प्रथा नाम का टॉपिक है, वहां से है बिखेर प्रथा का संबंध किससे माना जाता है, तो बिखेर प्रथा का सीधा सा संबंध हो जाएगा विवाह से, विवाह से किससे संबंध हो जाएगा बिखेर प्रथा का, तो विवाह के अंदर जो दो पक्ष है, जैसे एक तो वर पक्ष है एक वधु पक्ष है, इनके बीच के अंदर जो बॉन्डिंग बनाने वाला जो बंदा होता है, जो मध्यस्थता करने वाला जो बंदा होता है, उसको क्या बोला जाता है, बिखेर प्रथा के तहत ये विवाह से संबंधित प्रथा है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो बिखेर प्रथा के अंतर्गत आता है, जो मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति होता है, तो बिखेर प्रथा का सीधा सा संबंध किससे है, अरे नहीं भाई थोड़ा ये गलत बता दिया, विवाह तो नहीं होना चाहिए, बिखेर मेरे हिसाब से मृत्यु में पानी वाड़ा, बिखेर में एक मिनट आगे निकाल लिया वीडियो, मैं थोड़ा सा एक सोच लूं, बिखेर में मृत्यु से संबंधित है, एक तो थी अर्थी, एक तो थी बैंकुटी, बैंकुटी के बाद में फिर आगे वो क्यों है, हाँ पिंडदान, आटा का भी पिंड, यह सब देगा धन्यवाद, चलो भाई परिभाषा भी मेरे को याद नहीं आ रही, लेकिन ये मृत्यु से संबंधित, सॉरी तो ये मृत्यु से संबंधित है, ये बिखेर पड़ता, चलो कौन नहीं याद छोड़ो। आगे प्रश्न देखिए, दसवां प्रश्न, दसवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत विश्व जो उसकी सूची है उसके अंदर शामिल, यूनेस्को नाम की जो यूनेस्को नाम की ये संस्था है, ये एक क्या है, एक बड़ी संस्था जिसका नाम यूएनओ, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसकी क्या एक शाखा मानी जाती है, ये क्या करती है, विश्व के अंदर जितनी भी प्राकृतिक धरोहर होती है उसको क्या लेती है अपने अंडर में लेकर, उसका मतलब जो भी उसके ऊपर थोड़े बहुत पैसे लगाए जाते हैं और उसको विश्व पटल के सामने लाया जाता है,
राजस्थान के अंदर सन 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को क्या किया था, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उसके अंदर राजस्थान में आप लोग एक ट्रिक भी पढ़ते हो जिसके हम लोग जानते हैं, एक शब्द आता है गाजर, ठीक है, अभी थोड़ी से महीने दो महीने बाद स्टार्ट हो जाएगी, फिर चीकू, और उसके बाद में वर्तमान में तो आम मैंगो शेक फलीर है। तो इस प्रकार से गाजर, चीकू, आम के नाम से याद रखते हो, गागरौन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। तो कौन सा दुर्ग है वो उसको शामिल नहीं किया गया, गागरौन को किया गया, आमेर को किया गया, जैसलमेर को किया, बट जो मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है, जोधपुर में, इस दुर्ग को कतई इसके अंदर शामिल नहीं किया। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गांव मिट्टी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यानी कि मिट्टी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध ऐसा गांव कौन सा है जो प्रसिद्ध नहीं है, तो इसके अंदर देखिए के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो मोलेला गांव, हरजी गांव, महरौली गांव, रदोड़ा गांव, रदोड़ गांव। तो इसके अंदर याद रखिएगा मिट्टी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसका ये नहीं है मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है ऐसा आएगा, ठीक है। तो मिट्टी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो वो कौन सा गांव हो जाएगा, मोलेला गांव। हालांकि हरजी गांव भी है, मोलेला गांव क्या है, आपने एक शब्द सुना होगा टेराकोटा, टेराकोटा या फिर जो मोलेला गांव है, ये इस कला के लिए प्रसिद्ध है, जो मिट्टी से निर्मित जो वस्तुएं होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है, टेराकोटा या फिर मोलेला कला बोला जाता है। इसके लिए मोहनलाल कुमार नाम का व्यक्ति, उसको सन 2012 के अंदर क्या गया था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और अर्जी गांव जालौर में पड़ता है, वहां पर मामा जी और गोगा जी के जो घोड़े हैं वो बनाए जाते हैं। मुनरावता गांव पड़ता है नागौर के अंदर, वहां पर भी कुछ क्या है, मिट्टी का कार्य है, उससे भी कुछ खिलौने बनाए जाते हैं। और जो मोलेला गांव है वहां पर क्या है, एक तालाब है, उस तालाब की मिट्टी लाई जाती है, उसके अंदर जो गधे का गोबर होता है उसको मिलाकर जो मिट्टी से जो आकर्षक वस्तु है, जो खिलौने बनाए जाते हैं, वो कला होती है। तो मिट्टी के लिए कौन सा, मिट्टी के वस्तुओं के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध हो जाएगा, मोलेला गांव। और ये कौन से जिले में पाया जाता है, राजसमंद जिले में पाया जाता है, ठीक। आगे है मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में संरक्षित है। सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए रागमाला क्या है, कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। तो याद रखिएगा मेवाड़ शैली में बहुत सारी शैलियां हैं, इसमें से एक शैली है जिसका नाम है चावड़ चित्र शैली। तो चावड़ चित्र शैली के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी महाराणा प्रताप के टाइम में, लेकिन इसका गोल्डन टाइम पीरियड वो कहलाते हैं इनके पुत्र महाराणा अमर सिंह जी के टाइम में। अमर सिंह के टाइम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने सन 1605 ईस्वी में से ग्रंथ का नाम क्या है, रागमाला, इस रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया था। और ये राजस्थान में जितने भी चित्र चित्रित हो रखे, जैसे राजस्थान का जो पहला चित्रित ग्रंथ है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहलाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा जो चित्रित सेट माना जाता है या फिर एल्बम कह सकते हो, वो कौन सा है, रागमाला है। ये रागमाला चावड़ चित्र शैली से संबंधित माना जाता है। और चावड़ कहाँ पर पाया जाता है, राजसमंद में। इसको वर्तमान में याद रखिएगा कौन से जिले के अंतर्गत इसको अजायब घर में सुरक्षित है, उदयपुर के अंदर, क्योंकि मेवाड़ जब भी आएगा तो मेवाड़ में सबसे ज्यादा जो बड़ा जिला है वो उदयपुर जिला होता है, और उसी के अंदर सबसे ज्यादा चीजें वर्तमान में भी वहां पर संचालित की जा रही है। तो रागमाला है ये नासिरुद्दीन द्वारा निर्मित सावण चित्र शैली से संबंधित है, ये मेवाड़ का या फिर राजस्थान में भी सबसे बड़ा चित्र सेट माना जाता है ये, और ये वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से घन वाद्य यंत्र नहीं है, मैंने आपको दो तीन बार ये बता दिया वाद्य यंत्र है, आप क्या कर लो, एक तो वाद्य यंत्र की परिभाषा रट लो भाई, कौन सा वाद्य यंत्र है इसकी क्या परिभाषा होती है। जैसे भाई जो तार से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसको घन बोलते हैं, फूंक मारकर जिसको बजाया जाता है और स्वर की उत्पत्ति होती है उसको शिशिर बोलते हैं। और जिसके अंदर है कोई भी, मान लीजिए एक लोहे का मान लीजिए बॉक्स हो या फिर एक लकड़ी का हो, और उसके ऊपर कोई भी जानवर है, चाहे बकरी है, चाहे बकरा है, चाहे भैंस है, चाहे पाडा है, चाहे ऊंट है, उसकी खाल होती है ना खाल, उसको मंड दिया जाता है, और उसके बाद में उसके ऊपर आप लोग चोट मारते हो, उससे जो स्वर निकलेगा तो अवनद या फिर ताल होगा। और जिसको जो वाद्य यंत्र उनको आपस में इस प्रकार से बजाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो रामदेव जी के भजन या फिर जो जागरण जमे होते हैं उसके अंदर दो इस प्रकार से खड़ताले होते हैं, इनको आपस में बजाते हैं, ठीक है। जो एक जो भगवान कौन थे, नारद जी थे, वो हाथ के अंदर एक प्रकार से रखते थे, दोनों को आपस के अंदर इस प्रकार से खड़ताल उनको रखते थे, तो वो क्या होते हैं, वो भी एक श्रेणी होती है। तो घन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, तो अलगोजा नहीं है। और अलगोजा तो आपको पता है राजस्थान का क्या कहलाता है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कहलाता है, ठीक है। और ये सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, और ये राजस्थान का घन वाद्य यंत्र नहीं है। रम, झोल, करताल, लेजिम, ये सारे के सारे क्या हो जाएगी, घन वाद्य यंत्र हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे प्रश्न है बड़ालिया से तात्पर्य है,
अब बड़ालिया नाम का जो ये शब्द है, बड़ालिया से तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो बड़ालिया शब्द है ये क्या है, एक प्रथा मानी जाती है। इस प्रथा का संबंध किससे माना जाता है? भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शोक पूर्वक अपने दाढ़ी मूछ कटवा लेना, अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनवार करना, और वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बडावलियों से तात्पर्य ये वो प्रश्न था भाई जो मैंने पहले बताया था। इसका सही आंसर है वैवाहिक संबंधों में जो मध्यस्थता करने वाला होता है, ठीक है, बीच के अंदर जो बॉन्डिंग बनाने वाले जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? बडावलिया कहलाता है। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बडावलिया कहलाएगा। एक मिनट पानी पी ली, एक मिनट, आज भी थोड़ी सी तबीयत सही को नहीं, जब थोड़ी सी वो सेवा के लिए खेद है। अब देख बड़ावली का ये संबंध हो गया। अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में धारी संस्कार प्रचलित है? ये प्रश्न शायद एक दो बार पहले भी पूछ लिया और टेस्ट में भी आ गया, ठीक है, आपका जो मेन एग्जाम होता है, जैसे एक सांसी जनजाति है उसके अंदर एक बीजा और माला, बीजा और माला का संबंध किससे माना जाता है? वो सांसी से है, ये सुपरवाइजरी में आ रखा है प्रश्न। तो धारी संस्कार है, ये सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो धारी संस्कार किस में प्रचलित है? सहरिया जनजाति। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए सहरिया जनजाति का, पहले तो निवास क्षेत्र, इसका निवास क्षेत्र है वो बारां जिला, बारां जिले की शिवगंज तहसील इसके अंदर ये पाई जाती है, और किशनगंज तहसील में, इन दोनों में। और धारी संस्कार होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? तो धारी संस्कार क्या होता है, इनके अंदर कोई भी व्यक्ति होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में घर के अंदर जब इसकी डेड बॉडी लाई जाती है तो जिस स्थान पर उसको लेटाया जाता है उस स्थान पर ये क्या करते हैं, जो एक है, जो आटा होता है, इस आटे को वहां पर रख देते हैं और उसके ऊपर कुछ कुछ कोई भी बर्तन है वो, ठीक है, वो रख देते हैं। रखने के बाद में सुबह जब देखते हैं तो उस आटे के ऊपर जिस प्रकार के पदचिन्ह बने तो उस अकॉर्डिंग ये आइडिया अनुमान लगा लेते हैं भाई उसका जन्म किस अगली योनि के अंदर किसके अंदर हुआ। जैसे मान लीजिए कोई प्रकार का बेल बन गया, कोई प्रकार की मानव की आकृति बन गई, तो वो आइडिया लगा लेते हैं इस प्रकार का। अब होता है या फिर नहीं होता है वो तो है नहीं, पर इनके अंदर ये क्या एक प्रचलित प्रथा है। जैसे आप लोग या फिर मैं नॉर्मली अपने घरों के अंदर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद जट्ठे जिस स्थान के ऊपर उस मृत्यु मृत व्यक्ति की जो डेड बॉडी होती है उसको सुलाया जाता है, सुलाने के बाद जब उसको शमशान घाट लेकर जाते हैं तो उसके बाद जो घरों के अंदर जो महिलाएं होती है उस स्थान को क्या करती है, एक अलग से इस प्रकार से अलग से उस प्रकार हाईलाइट करके रख देते हैं, और उस स्थान के ऊपर कोई भी मान लीजिए परात वगैरह वो रख देते हैं, और एक दीपक होता है उसको भी रात को जलाया जाता है 12 दिन तक या फिर 7 दिनों तक जितना भी होता है। तो ये हमारे भी प्रचलित है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, जिस प्रकार की आकृति बनती है तो उस कोल्डिंग की आइडिया लगाने के लिए भी किसके अंदर इसका जन्म हुआ है, तो वो संबंध किससे है? धारी संस्कार का शहरी जनजाति से हो जाएगा। ये कल्चर के 15 क्वेश्चन थे। आगे आपके भूगोल के प्रश्न स्टार्ट है। निम्नलिखित में से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है, यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो क्या बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय, यानी कि कोई ना कोई प्रकार के देश से सीमा बनाते हैं, ऐसे जिलों का संबंध कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा? हनुमानगढ़ है ये तो भाई अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं, जैसलमेर बीकानेर ये भी ठीक है अंतरराष्ट्रीय सीमा युगम है, गंगानगर है ये क्या करता है राज्य से भी बनाता है और देश से भी बनाता है, ये भी नहीं हो जाएगा। केवल पूछा भाई, केवल शब्द आ जाए ना भाई, देखो पेपर के अंदर ज्ञान सभी को है, सिलेक्शन उसका हुआ, थोड़ा सा धैर्य रख लिया मैंने, मतलब बोलो पहले भी बोला था धैर्य धैर्य रख लिया और ढंग से पेपर पढ़ लिया। उज्जवल तुम खास तौर से ध्यान रखना, जल्दबाजी बहुत करता है, जिसने ढंग से प्रश्न पढ़ लिया। जैसे केवल शब्द आ गया तो केवल के अंदर सिर्फ और से वो जिले जो क्या करते हैं इंटरनेशनल सीमा बना रहे हैं, जैसे गंगानगर तो दो प्रकार के, जैसलमेर है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ बनाता है, और बीकानेर है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, भरतपुर धौलपुर तो हो गए नहीं, इसके अंदर कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर और बीकानेर ये दो जिले क्या करते हैं केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान के विंध्य कगार पर्वत श्रेणी का विस्तार है? आपको पता है हाड़ौती का जो पठार है इसका दो पार्ट में डिवाइडेशन कर रखा है, एक तो विंध्य कगार भूमि और एक कौन सा दक्कन का पठार। तो विंध्य कगार भूमि का भी चार पार्ट में, तीन पार्ट में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, शाहबाद उच्च भूमि और एक पार्ट और है, तो
अर्धसुंदरा कर पहाड़ियां भी चार पार्ट में, मुकुंदरा की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, ऐसे करके ये चार पार्ट में मिलेगी। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, जो विंध्य खगार पर्वत श्रेणी का विस्तार है, तो इसका 56 की पहाड़ियां नहीं है, बैराट की पहाड़ियां नहीं, गोकुंदा की पहाड़ियां नहीं, मुकुंदरा की पहाड़ियां। और मुकुंदरा की पहाड़ियों का जो राजस्थान में विस्तार पाया जाता है वो कहाँ पर है, एक तो कोटा के अंदर हो जाएगा और एक कौन सा झालावाड़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और इन मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर हाड़ौती के पठार की सबसे बड़ी चोटी पाई जाती है जिसका नाम है चांदबाड़ी। चांदबाड़ी की ऊंचाई है 517 मीटर, जो इससे कोटा जिले में स्थित हो जाएगी और हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1727 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है शेर, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 1597। याद रखने के लिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में, शेर की ऊंचाई भी 1597, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है वहां पर तो बहुत ही कम हो रही है, इधर अरावली वाले जिलों में बहुत ज्यादा ठीक ठाक हो रही है, जयपुर वाले साइड में भी बढ़िया हो रही है, इधर कोटा बूंदी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत ज्यादा हो रही है, सिरोही में, एक एवरेज निकाली जाती है 33 जिलों की, उसके हिसाब से देखें भाई राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो सीधा सा एक फैक्ट है 57 से, कितनी वर्षा होती है 57 से में राजस्थान के अंदर एवरेज वर्षा होती है। आगे आगे ये भी प्रश्न, एक प्रोग्राम चला था राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का उद्देश्य था, ये कार्यक्रम मैंने ऐसे ये ऐसे इसलिए दिया था क्योंकि ये शायद आपका पता नहीं पिछले साल का एग्जाम था, पता नहीं इससे पिछले साल था, उसके अंदर एक था कबीर योजना, पता नहीं ऐसे करके एक शब्द दे रखा था, कबीर योजना का संबंध किस प्रोग्राम से है। तो कई बार क्या होता है योजनाओं में से प्रश्न आ जाते हैं सीधे से, योजना करंट के अंदर जो मुद्दा चल रहा होता है, तो इसके अंदर क्या राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम सबसे पहले फ्लड ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये भाई डेयरी उद्योग से है, ये रामलीला पढ़ने से पहले मैं आपको सीधा से बता ही दूं, डेयरी उद्योग से इसका संबंध है। तो डेयरी में भी डेयरी में क्या होगा भाई, दूध ही होगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो ये दूध से संबंधित, दूध के अंदर मतलब पैदावार बढ़ाने, जैसे हरित क्रांति है तो वो खाद्यान्न फसलें है उनको बढ़ाने के लिए हरित क्रांति आई थी, उसी प्रकार ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये दूध की बढ़ोतरी के लिए। तो ऑपरेशन फ्लड है बाढ़ पर नियंत्रण, ऐसी मजाक नहीं करनी, सिंचाई की सुविधा ये भी नहीं है, बाढ़ के दौरान ये भी नहीं, तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, ये क्या हो जाएगा इसका मेनली उद्देश्य। आगे आगे है इंदिरा गांधी नगर निधि नहर, इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाओं में प्रथम तथा एकमात्र ऐसी शाखा जो नहर के, ध्यान रखना बाई ओर, नहर के बाई ओर से निकलती है। अब इंदिरा गांधी नहर, अब एक चीज यार, जैसे आपने अगर भाई आप सुपरवाइजर से हो, पर कई अगर हो सकता है भाई आप में से कोई जीके का हो है जिसका आर्ट बैकग्राउंड, वो अगर क्लास देख रहा हो, वो पनामा नहर है विश्व के अंदर पड़ता है, अलग अलग नहरें पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, विश्व की जो सबसे बड़ी जो नहर है वो कौन सी मानी जाती है, लंबाई के हिसाब से इंदिरा गांधी नहर मानी जाती है, इसकी बहुत लंबी ये नहर है। इंदिरा गांधी नहर से 9 ही तो लिफ्ट नहरें निकली गई, 9 ही इसकी शाखाएं निकलाती है। जैसे शाखाओं में कौन सी, लोकल वापन मानगढ़ गंगानगर के, आपने साउथ सर जाते हो तो एक तो स्टार्ट में आती है नहर, वो तो होती है जो गंगर का पानी आता है, दूसरी जो आती है ना वो क्या है इस इंदिरा गांधी नहर की शाखा है रावत सर शाखा। एक आपने पढ़ा अनूपगढ़ शाखा, कांतौर शाखा, कुंगलगढ़ शाखा, बिरसलपुर शाखा, चारनावाला शाखा, शहीद बिरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा, ऐसे करके इसकी 9 शाखाएं हैं। तो रावत सर शाखा वो क्या, एकमात्र इंदिरा गांधी नहर के बाई ओर निकली गई शाखा है। इंदिरा गांधी नहर स्टार्ट तो हो रही है इधर पंजाब साइड से, राजस्थान में ये मसीता वाली हेड से प्रवेश करती, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो जाती है और इसका जो समाप्ति स्थल है मसीता कान है मोहनगढ़ जैसलमेर, 0 पॉइंट हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर। तो देखो भाई कितनी लंबी है, इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कहां पर ये उम्मीद थी भाई इस प्रकार से यहां पर भी फसलें ले रही, फसलें हैं वो इतनी ज्यादा होगी, यहां पर भी कृषि होगी, लोग यहाँ पर काल की स्थिति नहीं होगी पैदा, तो वो सारा का सारा खेल इस इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में है। यहाँ के लोगों के पास जो आर्थिक स्थिति सुधरी है तो इंदिरा गांधी, क्योंकि पानी की भरमार है, पानी बहुत ज्यादा पाया जाए और पानी से जो संजीवन, क्योंकि सभ्यता पहले जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, तो आप लोग देखिए ना जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ वह नहरों के नदियों के आसपास में हुआ है, क्योंकि जहां पर पीने के लिए पानी नहीं होगा तो सभ्यता कहां पर आएगी। तो सीधी सी बात है जो रावसर शाखा है ये क्या हो जाएगी, एकमात्र शाखा जो बाई ओर से फैली गई है। आगे देखिए आगे 3 प्रश्न अब ठीक,
अब देखिए, निम्न में से बैराटपुरा स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहला प्रश्न माइंड में आना चाहिए, बैराट स्थान कहाँ पर है? तो ये स्थान पड़ता है बैराट स्थान जयपुर में, शाहपुरा स्थान है जयपुर वहां पर पड़ता है। इस बैराट के अंदर क्या किया गया, मैं अभी आपको आंसर बता दें, दयाराम साहनी। सबसे 1910 के अंदर राम सिंह सेकंड के काल में इसका स्टार्ट हो गया था, कीर्तिधर करके एक व्यक्ति था उसने स्टार्ट किया था। उसके बाद में 1910 के अंदर डी आर भंडारकर जी ने उस टाइम तक इसका उत्खनन किया था। फिर 1936 के अंदर दयाराम साहनी जी के नेतृत्व के अंदर क्या होता है, बढ़िया से इसका उत्खनन होता है। और जो बैराट सभ्यता इसका तीन पहाड़ियां पड़ती है वहां पर, गणेशी डूंगरी, बिजक की डूंगरी और ऐसे करके इन तीनों पहाड़ियों पर इसका क्या हुआ, उत्खनन का कार्य हुआ है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रमाण मिलते हैं। अशोक सम्राट था जो अशोक महान, अपने 99 भाइयों को मारने के बाद में वो शासक बना था और आगे जाकर हिंसा इतने युद्ध किए थे, पूरे जीवन भर युद्ध किए थे और इतना महान शासक था, अंत में उसका हृदय परिवर्तन होता है, दुनियादारी मोह माया कुछ नहीं छोड़ो, और एक महान बौद्ध भिक्षु बन गया था। तो बौद्ध धर्म के भी प्रमाण मिलते हैं, महाभारत के भी प्रमाण मिलते हैं इसके अंदर, महाभारत के कुछ अवशेष मिले। सूती कपड़ा है ना एक, ये अब आपको मजाक लगेगी, स्टीम दे रहे, सूती कपड़े के भी प्रमाण है ना कहाँ से लगे हैं, विराट सभ्यता से। सूती सूती कपड़े की एक प्रमाण और मिले, बालाथल सभ्यता है वहां पर भी मिले, लेकिन एक जो बड़ा सूती कपड़ा है वो विराट से निकल, ठीक है, क्योंकि सभ्यताओं से कोई भी वहां पर सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य होता है ना, माइनर्स माइनर उनके पास में खोदने के लिए हथियार होते हैं, या फिर हथियार तो नहीं औजार होते हैं, ठीक है, उनसे धीरे धीरे खुदाई की जाती है, हर एक चीज को ध्यान से उनको निकाला जाता है, हर एक चीज का एक क्या बनता है, कंसेप्ट बनता। तो उत्खनन का कार्य किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया। अगला प्रश्न, नांगदा उदयपुर में जो सास बहू का जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नांगदा उदयपुर के अंदर सास बहू या फिर इसको सशस्त्र बहु मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, तो इसका निर्माण किया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का दूसरा नाम माना जाता है कालबोध, हालांकि ये नाम तो एक ही है लेकिन एक प्रशस्ति है जिसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर के अंदर जैन मंदिर भी बने हैं, वो धनक शाह ने बनाया था राणा कुंभा जी के काल में। जो 1444 खंभों का मंदिर है, राजस्थान के अंदर खंभों का वन भी कहलाता है और सबसे ज्यादा खंभों वाला मंदिर भी कहलाता है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था और कालबोज या बप्पा रावल को रायसिंह इस रणकपुर प्रशस्ति अकॉर्डिंग बोला गया, अलग अलग व्यक्ति थे, एक ही व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अपन को एक ही मानता है। गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी किसे जाना जाता है, कालबोज या फिर बप्पा रावल को जाना जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी है वो नांगदा उदयपुर को बनाया था, हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये शासक बने थे। और मेवाड़ के कुल देवता एकलिंगनाथ जी है, उनके मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था, एकलिंग बप्पा रावल ने करवाया था। तो सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल जी ने। अब राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस दौरान राजस्थान में 19 रियासतें, ठीक है, तीन इसके अंदर क्या थे, ठिकाने थे, और एक क्या था इसके अंदर, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें तो है, तीन ठिकानों में से आपको बताना है निम्नलिखित में से एक ठिकाना नहीं है। तो तीन ठिकाने आपको बताऊं, एक तो नीमराणा, वो कहां पर पड़ता है, अलवर में। एक ठिकाना है जिसका नाम है लावा। लावा पहले के टाइम में तो कहां पर था, इधर है टोंक में था, लेकिन टोंक के बाद में जब जिलों का थोड़ा ढंग से सिस्टम हुआ तो टोंक वो लावा है, वो स्थान जयपुर के बाउंड्री में आ गया था। वर्तमान में ये कहां पर पड़ता है, नहीं पहले जयपुर में आता था, वर्तमान में टोंक में आता है, ठीक है। तो एक स्थान है कुशलगढ़, वो कहां पर पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर। कुशलगढ़ राजस्थान के एकमात्र दक्षिण तहसील मानी जाती है। तो एक ठिकाना कौन सा नहीं है, निमराणा है, लावा है, कुशलगढ़ है, लेकिन किशनगढ़ नहीं है भाई, ठीक है, शब्दों का ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, किशनगढ़ और कुशलगढ़, तो किशनगढ़ ये स्थान है इसके अंदर शामिल नहीं होगा। आगे देखिए, आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, देखिए तो राजस्थान पढ़ो एक बार आप। राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मंगल पांडे वो सीधा सा प्रश्न अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। कौन थे अमरचंद बाठिया? अमरचंद बाठिया ये बीकानेर से इनका संबंध था, लेकिन जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये क्या थे, कोषाध्यक्ष के पद पर थे, पैसे वगैरह का ये कार्य करते थे, लेकिन मातृभूमि के मतलब ये शरीर से फाइटिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा था भाई मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ करना है, जरूरी थोड़ी ना शरीर से इसे कोई तीर भला लेकर किसको यूं मारा जाए तो ही होगी सेवा, और भी तरीके बहुत है, शरीर से जो मतलब इतना नहीं है मजबूत तो और भी तरीकों से कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान कात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई, उनको क्या किया था, आर्थिक सहयोग किया था, और इस ग्वालियर कोषाध्यक्ष से लाखों रुपये उनको लूट कर या फिर मान ली उनको वहां से लेकर इनको दिया था, और भाई आप 1857 की क्रांति में आपको जरूरत पड़ेगी, आप इतनी बड़ी सेना है, इतने बड़े क्रांतिकारी आपके साथ में,
हालांकि आप ऐसे तो है ना कि बड़े के आप जो गुंडे है वो ला रहे हो, आपको मतलब खाने पीने के लिए हथियार खरीदने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो इस दौरान इन्होंने उस मदद की थी। और अमरचंद बाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, राजस्थान में इनको दूसरा भामाशाह कहा जाता है, पहला कहा जाता है जो महाराणा प्रताप की जिन्होंने हेल्प की थी सूलिया गांव के अंदर, जो भामाशाह जिसने हल्दीघाटी युद्ध के बाद वो पहला है, इनको दूसरा कहा जाता है। राजस्थान का इनको 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद भी कहा जाता है, कौन सा व्यक्ति? बाटिया। तो ये हो जाएगा अगला, जोधपुर की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किस शासक ने की थी? तो आपको पता है अंग्रेजों ने एक संधि कराई थी 1817-18 के अंदर, जिसका क्या नाम था? सहायक संधि, या फिर जिसका दूसरा नाम आश्रित प्राधिकरण की संधि। इस संधि के तहत क्या होता है, राजस्थान के राजपूताना जितने भी शासक है वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और उनके द्वारा फिर क्या किया जाता है, इनका जो लगभग सारी की सारी सत्ता सत्ता इनके पास में रहती है, लेकिन वो वही बात है भाई, इशारों के ऊपर नचवाते थे राजाओं को, जो कार्य लगभग इनके जो जितने भी फैसले थे ये अंग्रेज लिया करते थे, इनका अंडर इनके अंडर में आ गए थे। तो किसी भी राजा के साथ में आप संबंध नहीं बना सकते, कोई भी राजा के साथ में आप बातचीत करोगे या फिर कोई भी प्रकार की आप डील करोगे तो हमसे पूछ कर करोगे, तो ये फिर एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों में ही हो गया लगभग, तो वो तो खाली के नाम के हैं। तो जोधपुर की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि किस शासक ने की थी? मानसिंह जी ने। ये मानसिंह कौन है भाई? मानसिंह एक, चलो इससे पहले बता दो, मानसिंह जी ने 1800 राजस्थान के बहुत सारे राज्यों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करने के बाद में, संधि करने के बाद में, राजपूताना का एकमात्र ये बंदा था मानसिंह जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ये सहायक संधि की थी इसका क्या किया था, विरोध भी किया था और इसको मानने से भी मना कर दिया था। एकमात्र बंदा था मानसिंह, इसने सहायक संधि कर तो ली थी लेकिन उसके बाद में इसने नट गया, कौन करा भाई तो चलो ठीक है। तो एकमात्र बंदा कौन था? मानसिंह था। मानसिंह ये वही है जिसने गुरु इसका आसना था, आसना से प्रभावित तो होकर ये नाथ संप्रदाय अपनाता है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर, और 80 84 खंभों की एक मंदिर है वो महामंदिर जोधपुर में बनवाता है। जो पुत्र थे लाडूनाथ और पद्मनाभ इनके बीच में प्रधान पीठ को लेकर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, फिर एक पीठ और बनवाता है जोधपुर के अंदर ही, उदयपुर जोधपुर के अंदर ही। और एक कृष्णा कुमारी है, इनका भाई था पहले भीम सिंह के साथ में सगाई हो रखी थी कृष्णा कुमारी की, लेकिन भीम सिंह की पहले मृत्यु हो जाती है, फिर मान सिंह कहता भाई ठीक है भाई मेरे साथ में शादी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक जयपुर का एक बंदा और था राजा, वो कहता मैं कराऊंगा तन को मन प्राणों माना। उसके बाद लेकिन फिर इनके बीच में गंगोली का युद्ध होता है 1807 के अंदर इस कृष्ण कुमारी के लिए, वो आपको क्लास में बताएंगे। तो और इसकी दो चार इसकी और भी विशेषता है। इस प्रकार से इसका जोधपुर की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि किसने की थी? मानसिंह जी ने की थी। तो उम्मीद आशा करता हूँ 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई भी प्रकार की कमी पेशी रह गई मेरे से आप कमेंट कर देना भाई, सर ये चीज़ आपकी थोड़ी सी गड़बड़ लगी, या फिर भाई इसमें सुधार कीजिए, या फिर ये चीज़ आपने गलत बता दी। उम्मीद तो मेरी तरफ से मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ, कई बार 19-20 हो जाता है, तो वो आप क्लियर कर देना। बाकी आपका एग्ज़ाम हो सकता है भाई अभी हो जाए, लेकिन वो वर्तमान में थोड़ा चल रहा है, अगले साल हो जाए या फिर 2-4 महीने के बाद में हो जाए, तो जितना भी टाइम मिले अपने ऐसे थोड़ा प्रभाव ऐसे यूं भ्रम में इस कन्फ्यूज में नहीं रहना यार, कड़ा 4 महीना 5 महीना बाद में सीख रहा वो सीख, थोड़ा कम करूँ पढ़ लूँ ज़्यादा करूँ, मेरा ये मानना है निरंतर अभ्यास करते रहो और धैर्य अपना कर रखो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिविजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को टाइम दो, हकीकत में याद रखना जिंदगी लास्ट बन जाएगी एक बार लग गए, ऐसा यूँ नहीं भाई सरकारी नौकरी में सब कुछ है, उसके बाद में रास्ते बहुत खुल जाते हैं, कहने का मतलब यही है। चलो इतना ज़्यादा वो नहीं है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं अगले टेस्ट में।